अभी नया कानून बना के टेम्पो के ऊपर लागू कर रहे, ये जंगल का कानून है। जब तक हमारे जायज मसाइल हल ना हो तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये तो किसी मुल्क में मैंने वाला का सुना है कि पुराना सूबे में ट्रक चढ़ता है, पुराना सूबे में नहीं चढ़ता है। मरकजान जो है इनका भरपूर साथ देंगे, इनके साथ जुलम हो रहा है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता 5 जुलाई से बलूचिस्तान ट्रक रेलवे स्टेशन की जानिब से इहतजाजन पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए हर किस्म की माल की तफसील बंद की गई, और हम समझते हैं कि हमारे गुड ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुल्क भर में आवाम खुर्दनी एशिया तक नहीं पहुंच सकते हैं, और हमें इस बात का भी एहसास है कि हमारे गुड ट्रांसपोर्ट का पाया रुकने से मुल्की मईशत पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की हुकूमत ने मजबूर कर दिया और हमें दीवार से लगा दिया, और हमारे कैद अजी नूर मोहम्मद शवानी ने वफाकी हुकूमत से अपने जायज़ मुतालबात से आगाह भी कर लिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया, न किसी ने प्रसाल किया, न किसी ने अलावाल किया, न किसी ने पूछगाछ किया कि भाई तुम लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, और न ही कोई सुनने वाला है, न कोई सुनने के लिए तैयार है। हम मजबूर होकर ट्रकों के घरों में खड़ी करके खुद सड़कों पर निकले हैं। जब तक हमारे जायज़ मसाइल हल ना हो तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा, और पंजाब में हमारे गाड़ियों को 15,000 से लेकर 50,000 तक चालान किया जा रहा है, और हुकूमत की जानिब से दी गई लोड एक्सेल लिमिट 1965 को आज हम गुड ट्रांसपोर्टर पर नाफिजुल अमल किया करवा रहा है, और 1965 में बेडफोर्ड ट्रक थे, और जिस ट्रक का खाली वजन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 टन तक था, और आजकल हमारे FM और FL गाड़ियां हैं जिसका खाली वजन 13 से 15 टन तक है, और 1965 की एक्सेल लोड लिमिट समेत गाड़ी 27 टन है, और हमारे बलूचिस्तान में मादनियात जो कि कोयला, क्रोमाइट और मार्बल जैसे पत्थर हमारे गाड़ियों में लोड करते हैं, और बलूचिस्तान में मादनियात के अलावा कुछ भी नहीं है, और मादनियात वाले हमें एक्सेल लोड लिमिट में हमें इतना ज़्यादा किराया देने को तैयार नहीं है, और हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मौजूदा हालात के मुताबिक हम से मशावरत करके एक्सेल लोड लिमिट के लिए नए कवानीन बनाए, और हमने एक्सेल लोड लिमिट के लिए 45 टन की तजवीज़ दी है, और 45 टन जो कि गुड ट्रांसपोर्टरों और ताजरों, क्रोमाइट डीलरों और मार्बल डीलरों के मुफाद में हैं, और पुराना 1965 के एक्सेल लोड लिमिट को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, और पंजाब हुकूमत ने गुड ट्रांसपोर्टरों के गला पर चूरा घोंपने के लिए हर 50 किलोमीटर पर मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को दिन रात तैनात किया है। पुलिस जो हमारे ट्रकों को ताना में बंद करके ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, या तो 10 से 15 घंटे खड़ी करने के बाद 15 से 50,000 रुपये तक चालान के नाम पर रकम लेकर चालान पर्ची भी नहीं देते हैं। हमने इस जुल्म के खिलाफ 5 जुलाई से एहतजाज का आगाज़ किया, और सिंध हुकूमत बलूचिस्तान के लिए आटा, चीनी, खाद व दीगर खुर्दनी एशिया ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, और सिंध हुकूमत हमें परमिट के हिसाब से तरसील कराते हैं। क्या बलूचिस्तान अफगानिस्तान है या ईरान है? सिंध हुकूमत का कहना है कि बलूचिस्तान के ताजर अफगानिस्तान और ईरान से सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे बलूचिस्तान के ताजर कानूनी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए तरसील कर रहा है, और हमारे एहतजाज में शामिल तंजीमें, ज़मींदार एक्शन कमेटी और आल बलूचिस्तान हड़तियाँ फ्रूट सब्जी कमीशन एजेंट एसोसिएशन और मरकजी अंजुमन ताजरान हैं। ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ता है, फर्क पड़ रहा है, किल्लत तो आ जाएगा, अभी दो दिन तीन दिन पाँच दिन से नहीं हुआ। चीनी 4-5 दिन पहले जो है 7,800 रुपये का होता बोली था, आज चल रहा था 7,600, तो इसी तरह का भी ऊपर हो गया था। तो अगर ये हड़ताल जारी रहा तो 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है हर चीज़ ऊपर जाता है, क्योंकि जब माल पीछे से नहीं आता है तो खामखा दुकानदार जो है वो जो थोड़ा थोड़ा माल उनके पास पड़ा हुआ है वो तो खामखा महंगा बेचता है, क्योंकि पीछे से माल नहीं आता है, और बाकी हमारा फ्रूट जो जाता है वहाँ हमारा फ्रूट, हमारा सब्जी ये सब रुक गए, हमारा अरबों रुपये का नुकसान है इस सूबे का, जमींदारों का।
तो इस आवाज़ से जो है मरकजियाँ जो मैंने ताजरान जो है इनका भरपूर साथ देंगे, इनके साथ जुलम हो रहा है। अभी आपको मालूम है अगर ये 20 टन रोड करें तो 20 टन का तो वो किराया उनका पूरा नहीं होता है, गाड़ी नहीं लेके आता है, अगर 45 टन डाले तो वो फिर पूरा किराया दे देंगे। तो हमारा जो इधर कारोबारी हजरात है वो 20 टन के लिए कौन इतना 1.5 लाख रुपये किराया देता है, तो आधा किराया भी नहीं दे देंगे। जब आधा किराया नहीं दे देंगे तो ट्रक वाला रोड नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता था कि हमारा सेल का खर्चा नहीं पूरा नहीं होता है। तो ये पंजाब हुकूमत इनके साथ जुल्म कर रहा है, नाजायज़ कर रहा है, क्योंकि हमारा बलूचिस्तान का तो यही मादनियात है, वो चीज़ कोई इधर नहीं है, या फिर या फुरमेक है या दूसरी तीसरी चीज़ें या हमारा सब्जी है। तो ये जो है ये हमारे ये तो किसी मुल्क में मैंने वाला का सुना है कि फलाना सूबे में ट्रक चढ़ता है, फलाना सूबे में नहीं चढ़ता है, वाहिद पाकिस्तान है कि इसने पंजाब वालों ने अभी ये नया सिस्टम छोड़ा हुआ है कि 20 टन वजन से ज़्यादा वजन वाला नहीं चढ़ता। ये नया ड्रामा है ये लोग हमारा बलूचिस्तान वालों के साथ कर रहे हैं, बाकी तो दुनिया में मैंने नहीं सुना है। रोड तो खा मखा 5-6 साल के बाद खराब होता है, तो फिर नया बनाओ। हम लोग तो टूल टैक्स भी दे रहे हैं, हम लोग बाकी टिक्से भी दे रहे हैं ट्रक वाला, फिर इसका क्या जवाब बनता है कि हमारा 45 टन ट्रक नहीं छोड़ता है। एक साहब आप तो पाकिस्तान भी बताए ना कि ये आपको बता रहे हैं कि 1962 का ये कानून है, क्या इससे पहले इस कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ था? आप पंजाब और सिंध जा रहे थे और इस पर अमल दरामद अब क्यों है? ये फुटबॉल समाज इस पर अमल दरामद हुआ है, इस बात को किसी ने चारा है? इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट चल रहा था कि हमने कम 1963 से अभी तक 2023 तक किसी ने एक्शन नहीं लिया कि हमें पंजाब नया जो है सियासत किया है कि गाड़ी में 13 टन लोड करो। हमारी गाड़ी का वजन जो है वो 15 टन है, अगर उसमें 13 टन लोड करें तो हमको क्या बचता है? हमारे ट्रेलर का वजन जो है 21 टन है, वो बोलते हैं तुम इसमें 55 टन डालो, 25 टन से हमारे किराए बनता है, हमारा रिजर्व पूरा होता है, पता नहीं कौन सा जुलम है। ये सारे मुल्क के ऊपर इसका असर पड़ता है, यह ऐसा बात नहीं कि खाली ये बलूचिस्तान के लिए, सारे पंजाब के ऊपर इसका असर पड़ता है।1963 का जो कानून है वो इसलिए लागू किया गया है कि वहाँ रॉकेट गाड़ी थी, 1965 में बेलपोर्ट गाड़ियाँ थी, उसकी लिमिट 5-6 टन थी ना। अभी जदीद दौर है, नए नए ट्रक आए हैं, एक ट्रक की कीमत 2-3 करोड़ रुपए, उसको FM कहते हैं, FL कहते हैं, हाजी साहब सही फरमा रहे हैं, ट्रेलर गाड़ियाँ हैं, उनको 80-80 टन वजन बखुशी उठाते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा वाले अगर ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये जो 30 टन या 27 टन जो परमिट में लिखा हो या टोकन बुक में जो लिखे होते हैं, ये 1965 से सिलसिला चल रहा है। आज हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ जो उसने FM गाड़ी या FL गाड़ी जिसके वजन ज़्यादा है 15 टन 13 टन, 1965 की गाड़ियाँ जो उनसे वो 6 टन 5 टन उसके वजन था। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि भाई आप नए कानून जो मना रहे हो, हमें मशावरत हमसे करें कि क्या इसका जो वजन है खाली गाड़ी का वजन कितना है, कौन सी गाड़ी है, क्या आज भी वो जो बेटफोर्ड 1965 की जो गाड़ी वो भी आज भी 6 लाख 6.5 लाख उसकी कीमत, हमारी गाड़ियों का 3.5 करोड़ रुपये की कीमत। ये बात ये कि क्या नाम ये गाड़ी जो हमको आपको गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कब बेच करके क्या नाम इसको चलाओ, जो क्या नाम 3.5 करोड़ रुपए हमसे मांग रहे, उसमें हम 6 टन उठा ले, 13 टन उठा ले, 48 टन उठा ले, कोई हद है इसका? वो पूरा नहीं होता है। अभी उसका क्या नाम ये क्यों ये जो छोटी गाड़ी उसका 4.5 करोड़ रुपए उसका कीमत बताए, इसका क्या नाम तुम 25 टन उठा करके ले जाओ, ये कौन पूरा कर सकता है? ये सारे रियासत का मुस्त नुकसान है। ये ऐसे बात नहीं क्या मजदूरों ने कर दिया, ये लोगों को छाना कर 15 से लेकर 50 हजार तक
बारह तेरह घंटे गाड़ी को खड़ा करते हैं, किसी को झाड़ा करते हैं, किसी को खाली करते हैं। वो पाकिस्तान में हमारा मुजरिम पाकिस्तान में नहीं है, हम इसका हकदार नहीं है। कितने जुर्म हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं, इसके कोई हद है? पिछले का हाथ पूछो क्या तीन घंटे दे रहे, उसमें क्या कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।